कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मंगलवार को कांग्रेस की ओर से आयोजित महिला मार्च में हजारों की तादाद में महिलाएं और लड़कियां शामिल हुई। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर के 1090 चौराहे से शुरू हुआ मार्च सिकंदर बाग चौराहे पर खत्म हुआ। वही इस मार्च की अध्यक्षता खुद प्रियंका गांधी ने की। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव खत्म हो गए हैं। वही आज 8 मार्च जो कि विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे मनाया जाता है, वही उत्तर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आज महिला मार्च का आयोजन किया गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता आज के मार्च में सम्मिलित हो रहे हैं, खासकर महिलाएं। वही अगर बात की जाए तो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा समेत जो उत्तर प्रदेश की चुनाव प्रभारी और कांग्रेस पार्टी की महासचिव के नेतृत्व में आज का मार्च किया जा रहा है, तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है युवा कांग्रेस के श्रीनिवासन पीवी जी। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके मुताबिक क्या चीजें हैं और क्या वास्तव में जमीन पे उतरा है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत अध्यक्ष जी। हमें ये बताएं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, क्या स्थिति लग रही है कांग्रेस की? कांग्रेस अच्छी सरकार बना रहे हैं, बहुत सारा 500 स्टेटों में देख सकते हैं। इस बार पूरा बीजेपी को सफाई करने का काम करेगा देश का जनता ने। आज विशेष तौर पे आज इंटरनेशनल महिला दिवस पर प्रियंका गांधी जी ने पूरा जो प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश का जो महिला है उनको एम्पावर करने का बात किया, पहले से ही उनके साथ खड़ा रहना। किसी महिला का साथ कभी कुछ हुआ है पहले जो कोई पहुंचा है तो वो प्रियंका गांधी जी, वो आतरस हो, मिर्जापुर हो, उन्नाव हो, तमाम जगह पे आधी आबादी पूरा जो उनको महिला को उनको एम्पावर करने का जो उनके बात है, तमाम महिला को टिकट देने का जो उन्हें वादा किया था, जो उन्होंने टिकट दिया, अच्छे चुनाव लड़े सब लोग ने, तो ये पूरा उत्तर प्रदेश में वो उनके महिला को विशेष तौर पे उनको लेके मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इस नारे से जो प्रभावित हुआ है, तमाम ऐसे लोग हैं आज इस कार्यक्रम में। देश से तमाम विधायक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, महिला सारे लोग आया है आज इस कार्यक्रम में, उनके नेतृत्व में आज पूरा मार्च करेंगे। अच्छा, बात की जाए तो आप युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो क्या आने वाले चुनाव में अब लोकसभा चुनाव में भी महिला की भागीदारी को बढ़ाने के लिए ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से? देखिए, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने महिला के बारे में कोई आवाज उठाता है वो कांग्रेस पार्टी है। राजीव गांधी जी के नेतृत्व में लोकल बॉडी से लेके जो सोनिया जी, राहुल जी ने जो पार्लियामेंट तक जो वुमेन रिजर्वेशन के जो बिल फाइनल हो चुका था वो रुक गया, तो हमेशा कांग्रेस पार्टी का सोच है। जो दूसरे लोग है चुनावी आएगा तो बयान देगा, बड़े बड़े वादा किएगा, वादा वो एक भी पूरा नहीं होता है, बट कांग्रेस पार्टी जो बोलते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। प्रियंका गांधी जी ने जो इस तरीके के जो बहुत सारा उनका मैनिफेस्टो देख सकते हैं, महिला कुछ लेके जॉब से लेके जो 20 लाख जॉब या खाली है उसमें भी महिला के लिए रिजर्वेशन की बात कोई किया है वो प्रियंका गांधी जी ने किया है। हम सबको उम्मीद है उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आने वाले दिन में बहुत बड़ी लेवल पे पूरा महिला को बचाने का काम और उत्तर प्रदेश को बचाने का काम, डेमोक्रेसी को बचाने का काम, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का काम करेंगे। अच्छा, कल एग्जिट पोल आ गए, खासकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति अभी भी सही नहीं दिखाई दे रही है एग्जिट पोल में, तो क्या कहेंगे आप इसमें? एग्जिट पोल सही कब दिखाया है? कोई एक पार्टी के लिए एग्जिट पोल करेगा तो वो जो चाहता है वो मनमानी दिखा देगा। आपको पता है कितना स्टेट में जो वो लोग दिखाया था बाद में रिजल्ट अलग निकली है, तो ये एग्जिट पोल में हम ज्यादा विश्वास नहीं। तो हमारे साथ थे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन बीवी जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे ही महिलाओं के लिए लड़ती रहेगी और एग्जिट पोल के सवाल पे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एग्जिट पोल पे विश्वास न करें। कैमरामैन दीपक के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। तो तस्वीरें देखिए आपने कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कांग्रेस की ओर से महिला मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें गुलाबी कपड़ों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कुछ भाव पुष्प।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।